हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सूर्य शर्मा, क्लास 10th हिंदी मीडियम, सॉरी इंग्लिश मीडियम को स्टार्ट करने आप जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट किया था। अब आपको आगे 4.3 करनी है, पर 4.2 के एग्जाम्पल भी करने हैं। 4.2 के चार एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, ये चारों एग्जाम्पल आपको करने हैं। और करने का तरीका मैंने बता दिया था, पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो 4.2, उसके बाद उसके एग्जांपल, फिर 4.3 कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एग्जांपल। इस पैटर्न से आपको अपनी कॉपी में वर्क करना है ताकि आपकी ये चीज़ पक्की हो जाए, बाद में कभी आपको देखना हो तो सारा इसमें मैटर हो। तो आगे आप बढ़ते हैं आज 4.3 एक्सरसाइज, बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं कहूँगा इस पूरे मैथ में, न कि पूरे चैप्टर में। ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ 4.3, ये पूरी मैथ की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से कम 4 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 नंबर का वर्क इसमें से आ जाता है। तो ध्यान से देखना, पहला इक्वेशन बहुत बार पेपर में बना है, कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कहता आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड को यूज करना है, अगर एग्जिस्ट हो तो इसकी रूट्स निकाल के लाने हैं। मतलब यहाँ आपको सोचने वाली बात है, आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि यार इसकी रूट एग्जिस्ट है या नहीं, इस चीज का कैसे पता किया जाए, तो उसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहला पार्ट देखोगे थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसकी लेंथ ज्यादा है, बाकी ध्यान से देखोगे तो वो भी इतनी बड़ी बात नहीं होगी। सबसे पहले आपको रूट चेक करना पड़ेगा, रूट चेक करने के लिए इसमें डिस्क्रिमिनेट निकालना होता है, और वो कैसे निकलता है वो भी बात करता हूँ। कई बार तो एक नंबर में वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिस्क्रिमिनेट निकालो। तो सबसे पहले आपको ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए वो होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का 2 है, बी एक्स का कोफिशिएंट है -7, और सी ये आपको पता है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी पीछे वाला। अब हमें निकालना डी, फुल फॉर्म होगी डिस्क्रिमिनेट, तो उसको निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac। बी -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, तो -7 का स्क्वायर 49 होता है जानते हो, और ये 4 2 8 8 3 24, तो क्या आंसर आ गया 25। जो भी डी आए 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है माइनस का ना आना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल नहीं कह सकते, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो 0 है ग्रेटर देन, तो आपको ये कहना है कि यहाँ रूट एग्जिस्ट करते हैं। सीधी सी बात है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 आ जाए तो भी एग्जिस्ट कर जाएगा, और 0 से बड़ा है तो भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यस, द रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड को यूज करके इसके रूट निकालने हैं। यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट ठीक है मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड को यूज करें, उसको एक फार्मूला बताता हूं आपको। x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई, ये आपका इसका एक फार्मूला है। सारी वैल्यू आपके पास, आपको कुछ नहीं करना, पुट करना है। तो x b की जगह -7 बाई टू ए की जगह 2 का स्क्वायर, b की जगह -7 बाई टू ए की जगह 2 का स्क्वायर प्लस c है 3 a की जगह 2 का स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करनी है। अब आपको आगे इसको शॉर्ट आउट करना है, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है आपका। तो x यहाँ -7 हो गया, ये माइनस यहाँ हो गया, 2 2 4 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर हो गया प्लस का 49 अपॉन में 2 into 2 4 4 का स्क्वायर हो गया 16, समझ आ गया होगा आपको, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो x को छोड़ के बाकी सारा डाटा इधर भेज दो, तो
माइनस को इधर आके प्लस को और प्लस को 3/2 इधर आके माइनस को। एलसीएम लेना आता ही है, 16 और 2 में 16 आ गया, इसको इसे डिवाइड किया 1, 49 ही बचेगा, इसको इसे डिवाइड किया 8, 8 3 जा 24, तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर तो 25/60। ओके अब ये आगे मैं यहाँ करता हूँ, जगह ठीक पड़ी, अब बोथ साइड रूट करता हूँ, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर 25/60, तो बोथ साइड रूट इसका भी कर दिया इसका भी कर दिया, इससे तो ये कट हो गया, x माइनस 7/4, 25 का 5 आ गया, 16 का 4 आ गया, और जब भी रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है कि क्या लगता है प्लस माइनस, तो एक बार टेक पॉजिटिव प्लस का ले लो और एक बार माइनस का टेक नेगेटिव, तो प्लस कर लिया तो x माइनस 7/4 तो ये तो अपना पढ़ा ही है, 5/4 प्लस का हो गया, तो माइनस का 7/4 इधर आके प्लस का 7/4, 4 एलसीएम आया 5 प्लस 7, तो x इज इक्वल टू 5 और 7 12/4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। इसी तरह नेगेटिव लिया तो ये तो सेम पढ़ा ही, नेगेटिव तो इसको लेना माइनस 5/4, तो माइनस 5/4 पड़ा है माइनस का 7/4 इधर आके प्लस का, तो x इज इक्वल टू 4/4, तो माइनस 5 प्लस 7, तो x इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 5 2/4, तो कट होके क्या आ गया 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। लेंथ जरूर मानता हूं इसकी ज्यादा है, तो हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको समझ भी ना आए, पर जैसे जैसे आप इसके और पार्ट करेंगे ये चीज आपकी पक्की हो जाएगी। तो मैं इसको एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। बेटा ये स्टेटमेंट थी, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है आपको डी डिस्क्रिमिनेट निकालना होता है, और एग्जिस्ट में क्या होता है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेट निकालने का ये फार्मूला, वैल्यू पुट की 25 है। कई बार एक नंबर में डिस्क्रिमिनेट निकालना ही पूछ लिया जाता है, तो मतलब एक नंबर का काम यहां तक ही कंप्लीट हो जाता है। तो ये 0 या 0 से बड़ा तो आपको लिखना है कि यस ये रूट एग्जिस्ट करता है। आगे आपने यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड यूज किया, और उस मेथड को करना है तो भाई ये फार्मूला है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके बाद जो ए बी सी की वैल्यू आपने निकाली थी पुट कर दी, यहां तक पहुंचे, इन दोनों को इधर भेजा, ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, एलसीएम में यहां पहुंच गए। इसके बाद क्या, ये स्क्वायर काटेंगे तभी बात बनेगी, स्क्वायर को काटने के लिए रूट किया जाता है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो इधर भी रूट लग गया इधर भी रूट लग गया, इससे तो ये कट हो गया, 25 का 5 हो गया, 16 का 4 हो गया, और जब भी रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है प्लस माइनस, तो एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस, और उसको सॉल्व कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट था, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप भूल के भी इस क्वेश्चन को छोड़ मत देना, इग्नोर मत करना, ये तो काम ही आ जाएगा आपको इतना। नेक्स्ट और देखिए सेकंड पार्ट, 2x² + x - 4, वही तरीका, ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -4, वही डी डिस्क्रिमिनेट निकालने का तरीका, b² - 4ac, तो b 1 का स्क्वायर हो गया, -4 ए की वैल्यू 2 आ गई, सी की -4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 2 8, 8 4 32, तो ये क्या बन गया 33, 0 से बड़ा है, तो बस वही बातें, यस जो रूट सब एग्जिस्ट करेगा आगे वही तरीका, तो x प्लस बी, बी की वैल्यू 1/2 ए, ए की जगह 2 रखेंगे, 2 2 4 का स्क्वायर, बी की जगह 1, 2 रखा, 2 2 4 का स्क्वायर, सी की जगह -4 बाई ए की जगह 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका बन गया x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये 1/4 का स्क्वायर 1/60, ये कट होके -2 आ गया इज इक्वल टू 0, दोनों किधर भेजा, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/16 भी प्लस और 2 भी प्लस, एलसीएम
वन बाई फोर का स्क्वेयर, तो 16 एलसीएम आ गया। इसको इसे डिवाइड किया 1, इसको इसे डिवाइड किया 16, और 16 की 2 से 32, तो ये x प्लस 1/4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 33/16। तो आगे वही काम, टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड, तो x प्लस 1/4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 33/16, इधर रूट लग गया, इधर लग गया, इससे पे कट हो गया x प्लस 1/4। इधर अब 33 का रूट हमें पता ही नहीं कितना है, पॉइंटों में आएगा, तो रूट 33 छोड़ दो, 16 का 4 होता है सब जानते हैं, आगे क्या लग जाएगा प्लस मान, तो वही काम, टेक पॉजिटिव और टेक नेगेटिव, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस का लिया भाई, तो प्लस का 1/4 इधर आके माइनस का 1/4, तो एलसीएम आ गया 4, तो रूट 33 माइनस 1, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह नेगेटिव लिया, तो x प्लस 1/4 माइनस का रूट 33/4, तो प्लस का 1/4 इधर आके माइनस का 1/4, तो x इज इक्वल टू 4, एलसीएम आ गया, माइनस कॉमन ले लिया, तो रूट 33 प्लस 4, ये आपका पार्ट नंबर 2 हो गया। और उम्मीद कर सकता हूँ कि ये पार्ट आपको पिछले क्वेश्चन से ज्यादा समझ आया, ये नहीं कि उससे आसान है, बल्कि इसलिए कि आपने बहुत सी बातें पिछले जो है वो यूज की, तो आपके वो चीज माइंड सेट में पहले ही थी कि आगे ऐसे ऐसे करना है। तो पार्ट नंबर 3 करवाने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है, पर वहां रूट होने के कारण हो सकता है आपको इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आए, तो इसीलिए मैं वो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। कहता है 4x² 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो वही तरीका है, a की वैल्यू x² के आगे वाली, b की वैल्यू 4√3, c की वैल्यू 3, वही तरीका, 4√3 का स्क्वायर और a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। इसका स्क्वायर करने में कई बच्चे गलती कर देते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का हो गया 3, इसी तरह 4 4 16 और 16 3 से 48 और ये भी 48 माइनस 40 का आ गया 0। मैंने कहा था 0 आए या 0 से बड़ा कोई दिक्कत नहीं, 0 आए तो भी एग्जिस्ट करेगा, ये सारी बातें ऐसे ही। x प्लस b, b की जगह 4√3 बाई 2 a, a की जगह ये आ गया, b की जगह 4√3 बाई 2 a की जगह 4 आ गया, c की जगह 3 बाई a की जगह 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 से 4 कट ही हो गया, तो x प्लस √3/2 का स्क्वायर, और इधर 4 से फिर 4 कट हो गया, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, बाय 2 का 4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 पड़ा है, बाय चांस ये इससे कट हो गया, नॉर्मली पीछे कट नहीं हो रहा था, अब कट भी हो गया है, x प्लस √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, तो बोथ साइड रूट किए तो इससे कट हो गया, तो x प्लस √3/2, 0 का रूट 0 हो गया, वही पॉजिटिव नेगेटिव बाहर आके, तो एक बार पॉजिटिव लिया, ठीक है, तो x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव लिया, और इसी तरह x प्लस √3/2 0 नेगेटिव लिया, तो 0 माइनस √3/2 भी माइनस √3/2 होता, और इसी तरह ये प्लस का है इधर आके माइनस का, अब आप अच्छे से जानते हो 0 तो प्लस का माइनस का कोई फर्क ही नहीं होता, तो माइनस √3/2, ये आपका थर्ड पार्ट था, रूट होने के कारण आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी, इसलिए आपको ये सॉल्व मैंने करवा दिया। इसके बाद अपन एक फोर्थ पार्ट और रहता है, वो देख लीजिए, वो करोर बता दूंगा, तो पहला क्वेश्चन पूरा ही हो जाएगा, क्योंकि आज जो मेरा टारगेट है वो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड है ना, वो पक्का करवाना है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में इसके आने के 100% चांस है। 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, तो b 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया,
8, 8 4 32 हो गया, तो क्या बच गया, माइनस का 30 है, ये तो नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो यहाँ इस केस में रूट फाइंड ही नहीं किए जा सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब आपको ये दिमाग में ये तो क्वेश्चन आ गया कि चलो सवाल, अब बाकी कुछ नहीं करना आपको, बस नो लिख के आपको छोड़ देना है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि रूट आने के कारण, माइनस आने के कारण ऐसा क्या हो गया, इसका प्रॉपर आंसर तो आपको प्लस वन में ही मिलेगा, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको इसका हिंट दूंगा, इसका कारण बताऊंगा कि ये माइनस आने से छोटा क्यों जा रहा है। तो ये आज का आपका वर्क था, आप देखो कि पार्ट तो 4 ही हुए, आज तो वर्क थोड़ा मिला है, पर ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें 1% भी रिस्क नहीं ले सकते। तो आज का वर्क है आपका एक्सरसाइज जो 4.2 है उसके एग्जाम्पल करने, तो 3, 4, 5, 6 और एक्सरसाइज जो 4.3 है उसका फर्स्ट सम करना है, और इसी तरह जो एक्सरसाइज 4.3 का जो एग्जाम्पल 7, 8 और 9 ये तीनों जो एग्जाम्पल है ये भी आपको करने हैं, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड के हैं। तो 4 ये पार्ट हो गए, 3 वो एग्जाम्पल हो गए, 7 क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड के आप कर लोगे तो मैं ये मान लूंगा कि पक्का आपको समझ आ गया है। और वो उसने जो विधि एग्जाम्पल में प्रयोग कर रखी है वो आपको नहीं यूज करनी है, जो मैंने आपको बताई उससे करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और पीछे मैंने कहा था कि एग्जाम्पल दूसरे चैप्टर के हमने किए हैं, इसके बाद तीसरे के शायद हमारे रह गए हैं, वो कभी बाद में आप देखेंगे, जब भी टाइम मिलेगा उसको तब देखेंगे। फोर्थ चैप्टर के एग्जाम्पल कैसे करने हैं मैं आपको बता देता हूँ, पहले एक्सरसाइज 4.2 आपने कल की, उसके बाद उसके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर 4.3 करो, वो कंप्लीट होने के बाद उसके एग्जाम्पल कॉपी में कर ले, इतने जो एग्जाम्पल है आप वैसे अपने कर लेना, समझ लेना इसमें, और जब एक्सरसाइज 4.3 खत्म हो जाएगी उसके बाद इन एग्जाम्पल को कॉपी में करना है। वैसे आपको करके देखना, करके देख लो, पर जो कॉपी आपने लगा रखी है उसमें आप करोगे वर्क, तो पहले एक्सरसाइज खत्म हो उसके बाद एग्जाम्पल करोगे तो एक वर्क थोड़ा रूटीन सा लगेगा, ऐसा वर्क लगेगा जो आपको और मेरे को भी समझ आएगा, तो इसीलिए इस तरीके से करोगे तो भूलोगे नहीं आप। ओके, थैंक यू।